हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आई एम शशांक तिवारी एंड दिस इज माय अनदर वीडियो। सो गाइस, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ये जो माइक्रोसॉफ्ट टीम्स एप्लीकेशन है, क्या ये विंडोज 7 में वर्क करेगी कि नहीं। दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है कि बहुत से लोग अपने डेस्कटॉप में विंडोज 7 का यूज़ करते हैं, तो उनको कन्फ्यूज़न ये रहता है कि ये जो माइक्रोसॉफ्ट टीम्स है, ये विंडोज 7 में वर्क करेगा कि नहीं। एंड दोस्तों, इससे रिलेटेड बहुत से मेरे पास कमेंट भी आ रहे थे मेरे माइक्रोसॉफ्ट टीम्स वाले वीडियो में, तो दोस्तों यही एक टॉपिक कवर करूँगा आज के इस वीडियो में। तो दोस्तों, वीडियो बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है, वीडियो को एंड तक देखना। वीडियो स्टार्ट करने से पहले, अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड ऑल्सो हिट द बेल आइकन। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका टाइम वेस्ट किए बिना मैं आपको सिंपली आंसर दे देता हूँ कि आपका जो ये जो माइक्रोसॉफ्ट टीम्स है, ये आपके विंडोज 7 में वर्क करेगा। दोस्तों, मैं कोई भी बात ऐसे नहीं बोलता, मैंने खुद इसको अपने डेस्कटॉप में यूज़ करके देखा है। दोस्तों, यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको सॉरी बोलना चाहूँगा, क्योंकि यहाँ पे मैं आपको वीडियो ट्यूटोरियल शो नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे जब मैं अपने विंडोज 7 में यूज़ कर रहा था तो मैं जो रिकॉर्डिंग कर रहा था वो दोस्तों रिकॉर्डिंग सक्सेसफुली नहीं हो पाई, इसके कारण से मैं आपको वीडियो ट्यूटोरियल शूट करके नहीं दिखा पाऊँगा। बट दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि मैंने अपने माइक्रोसॉफ्ट टीम्स अकाउंट को अपने डेस्कटॉप पे विंडोज 7 पे वर्क किया है बहुत ही इजीली। दोस्तों, मैं उसको एक्सेस कर पा रहा था। तो हाँ दोस्तों, अगर आप चाहो तो अगर आपके पास विंडोज 7 है तो आप विंडोज 7 में बहुत ही इजीली माइक्रोसॉफ्ट टीम्स का यूज़ कर सकते हो। दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको मेथड बता दे रहा कैसे आपको यूज़ करना है, क्योंकि मैंने उसी मेथड से अपने विंडोज 7 में उसको यूज़ किया था। आपको सिंपली करना क्या है, आपको अपने गूगल क्रोम में सर्च करना है माइक्रोसॉफ्ट टीम्स। जब दोस्तों आप माइक्रोसॉफ्ट टीम्स सर्च करते हो तो www.microsoft.com समथिंग एक जो वेबसाइट होती है, उस साइट पे जाके आपके सामने आएगा लॉगिन करने का ऑप्शन। तो वहाँ पे आप बहुत ही इजीली अपने आईडी और पासवर्ड को डाल के लॉगिन कर सकते हो। दोस्तों, आपको कोई फेक साइट पे नहीं जाना है, माइक्रोसॉफ्ट की ऑफिशियल साइट आपको सबसे पहले मिल जाएगी, उसी को आपको ओपन करना है। जब आप वहाँ पे उसको ओपन करोगे तो आप बहुत ही आसानी से अपने अकाउंट को एक्सेस कर पाओगे आपके विंडोज 7 में। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो यूज़फुल लगा होगा। वीडियो यूज़फुल लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नया आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं ऐसे ही अच्छे अच्छे एंड यूज़फुल वीडियोज़ अपने चैनल पे लाते रहता हूँ। होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स।